हेलो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा सॉलिड होने वाली है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बार बार कमेंट्स में बोला था कि हमारी एक्स मैक्स अल्टीमेट के लिए एक काफी डेंजरस सा ट्रैक बनाने के लिए। तो गाइस फाइनली देखो, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैक मैंने बना दिया है। इसके साथ साथ आज देखो ट्रैक के ऊपर मैं बहुत सारी कार्स को चलाने वाला हूँ, जैसे कि ये भी बहुत बड़ी कार है भाई, ये हमारी ट्रैक्सस की XRT, इसका भी साइज देखो बहुत ज्यादा बड़ा है। पर देखते हैं ये जीती है या फिर हमारी ट्रैक्सस एक्स मैक्स जीती है। भाई यहाँ पे इतनी जगह ही नहीं है कि देखो मैं दो कार्स को रख सकूं। साथ में यहाँ पर मेरे पास आर्मा की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट फायर टीम भी आ चुकी है, आज इसको भी चलाएंगे ट्रैक के ऊपर। और दो कार्स है वो भी दिखा देता हूँ। ये एक ट्रैक्सस स्लेज है, इसको भी चलाएंगे आज ट्रैक के ऊपर। साथ में देखो ट्रैक्सस की हाइब्रिड कार भी है मेरे पास, ये है एक्सेस समिट। ये सभी फास्टेस्ट कार के साथ फोर्ड ब्रोंको को भी चलाते हैं आज ट्रैक के ऊपर। देखते हैं दोस्तों आज कौन जीतता है। चलो तो गाइस ट्रैक की शुरुआत होने वाली है ये रैंप से। तो कार को यहां से जंप लगा के ये बड़ी सी आग के ऊपर यहां पे आना पड़ेगा। देखो गाइस अगर कार हमारी इसके अंदर गिर जाएगी तो यार चल के भस्म भी हो सकती है। देखते हैं गाइस कौन सी कार वो रैंप के ऊपर से जंप लगा के ये पानी में लैंड होती है। उसके बाद देखो गाइस इसके अंदर मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया है, कार को ये रैंप के ऊपर चढ़ाई करके इसके अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे भी बहुत सारा पानी डाल दिया है, कार को लिटरली गाइस टायर के इसके ऊपर से जंप लगा के इधर आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये कंकड़ में से चल के उसके बाद देखो गाइस हमारी कार आने वाली है ये रेत के टीलों के ऊपर। देखो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारी आग लगा दी है, ये आग तो बहुत ज्यादा है। कार अगर यहाँ पे फंस जाएगी ना यार, कार यहाँ पे भी आके जल सकती है। इनके बीच में देखो गाइस इस तरीके का मैंने काफी सारा गैप भी रख दिया है। भाई ये आग तो ऊपर आ रही है यार, अगर कार इधर से निकल जाती है तो हमारी कार को आना पड़ेगा ये वाले इंजन ऑयल के कीचड़ के अंदर। कार को लिटरली गाइस इसके अंदर चलते हुए ये ट्यूबलाइट्स को फोड़ना पड़ेगा, भाई काफी मुश्किल सा टास्क है। फिर हमारी कार आएगी गाइस ये वाले रैंप के ऊपर। ये रैंप को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है ताकि कार को काफी ज्यादा मुश्किल हो सके इसके ऊपर चढ़ाई करने में। और ये बहुत ज्यादा स्लिपरी भी, आप देख रहे हो एकदम सिल्वर कलर में ये चमचमा रहा है। तो देखते हैं गाइस कौन सी कार इधर तक पहुंच के आज के ट्रैक की चैंपियन बनेगी, मजा आने वाला है गाइस। सबसे पहले मैं चलाने वाला हूँ फोर्ड ब्रोंको को क्योंकि ये कार बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। अभी शुरू करने वाला हूँ गाइस, देखते हैं क्या होता है। ये देखो गाइस, ओ माय गॉड, अरे बाप रे, ट्रैक्सेस के साथ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होते होते बच गई है। अगर मैं इसको आग में से नहीं निकालता तो भाई ये जल के खाक हो जाती। देखो गाइस जैसे तैसे मैंने इसको निकाल के पानी के अंदर डाल दिया है। बाकी यार ये कार इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वहां से जंप लगा के ये पुल में आ सके। तो सैडली फोर्ड ब्रोंको को अभी मेरे को ट्रैक से बाहर करना पड़ेगा। तो अब ट्रैक के ऊपर चलने के लिए आ चुकी है हमारी ट्रैक्सेस स्लेज। चलो गाइस इसको चलाते हैं। ओ भाई क्या ही सीन था यार। देखो मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स करके भी दिखा देता हूँ। ये कार जंप लगाने के बाद रैंप से टकरा के दूसरे पुल में आके गिरी है, मजा आ गया। मेरे को लगा था कि हमारी कार इधर तक जंप लगाएगी पर भाई ये जो स्लेज है इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने एक बार में ही देखो ये पुल तक जंप लगा दिया है। और हमारा पुल भी जो है पंचर हो चुका है इसके वेट के कारण। देखो यहाँ से अभी बबल्स निकलने लगे हैं, थोड़ा सा इसको मैं पीछे कर देता हूँ। ओ भाई ये तो दहाड़ रही है यार, पावर देखो इसके अंदर कितनी ज्यादा है। ओए मेरे को लग रहा है कि गाइस इसको मेरे को अभी रिवर्स ही निकालना पड़ेगा। देखो ऐसे ही मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले रहा हूँ, देखते हैं निकल पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड गाइस ये तो कम्प्लीटली यहाँ पर आकर फंस गई है यार, बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही है ये देखो। ओहो तो गाइस मेरे को लग रहा है ये इधर आकर स्टक हो चुकी है। अभी मेरे को स्लेज को भी ट्रैक से बाहर करना पड़ेगा। अब मैं चलाने वाला हूँ हमारी फायर टीम को, देखते हैं गाइस क्या ये आर्मा की फायर टीम सही तरीके से जंप लगा पाएगी या फिर नहीं। अभी मैं इसको जंप कराने वाला हूँ, देखते हैं ये सही से जंप कर पाएगी या फिर नहीं। ओ भाई मजा आ गया यार, इसने एकदम परफेक्टली ये टब के अंदर जंप किया है। देख रहे हो गाइस अभी इसके टायर जो है पूरा का पूरा पानी अंदर खींच रहे हैं, इस वजह से ये कार बहुत ज्यादा भारी भरकम हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी बबल्स निकल रहे हैं, यहाँ पे भी बबल्स निकल रहे हैं, तो इसको मैं पीछे ले लेता हूँ अभी। ओ बहुत ज्यादा पावरफुल है ये कार भी, ठीक है गाइस आगे बढ़ा रहा हूँ मैं इसको भी। ओ भाई
मतलब ये कार आगे नहीं बढ़ पा रही है गाइस, देखो इसकी हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो तेरी गाइस, ये तो आगे नहीं बढ़ पा रही है यार, ये देखो इसी के अंदर ये गोल गोल चक्कर काट रही है, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है ये कार। मतलब यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होने के कारण इसकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। सैडली गाइस अभी इसको भी मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा। ये ट्रैक दिखने में जितना इजी लग रहा था उससे 100 गुना ज्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के बाद सभी कार हार मान रही है। ये दोस्तों अब आ चुकी है ट्रैक से समिट ट्रैक के ऊपर चलने के लिए, देखते हैं क्या ट्रैक से समिट अपना जलवा बता पाएगी या फिर नहीं। ठीक है, जंप लगा रहा हूँ गाइस मैं इसको अभी। ओ भाई साहब, इसके साथ तो काफी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है यार, ये जंप लगाते बराबर ही यहाँ पर आकर क्रैश हो चुकी है, तो इस वजह से इसको भी ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा। अब मैं चलाने वाला हूँ ट्रैक के ऊपर ट्रैक्सस XRT को, ये बहुत बड़ी कार है यार। ठीक है गाइस, देखो अभी मैं इसको जंप कराने वाला हूँ। एकदम तगड़े तरीके से इसने जंप लगा दिया है, देखते हैं ऐसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे निकल पाएगी या फिर नहीं। थोड़ा सा मैंने इसको क्रॉस कर लिया है। इसको ग्रिप नहीं मिल पा रही है गाइस, थोड़ा सा इसको मैं अलाइनमेंट सही कर लेता हूँ, अब देखते हैं इसे जंप लगाने के लिए। ओहो भाई, इसने तो भिगो दिया मेरे को। रिवर्स कर लेते हैं इसको। ओहो, फुल थ्रॉटल देकर निकालने के लिए ट्राई करूंगा इसको यहाँ से। भाई मेरे को लगा कि अभी ये पूली तोड़ के रख देगी। वापस ले लेते हैं इसको रिवर्स। अरे बाप रे, अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है गाइस, देखो तो अब इसको बिल्कुल भी यहाँ पे ग्रिप नहीं मिल पा रही है। ओह तेरी गाइस, पता नहीं आज क्या हो रहा है, कोई भी कार ये पानी में से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रही है दोस्तों, और मेरा कैमरा भी यहाँ पे पूरी तरीके से खराब हो चुका है पानी गिरने के कारण। दोस्तों अभी अभी मैंने एक चीज नोटिस की है, ब्रॉन्को को चलाते समय मैंने गलती से ये कार को लो स्पीड में चला दिया था। ब्रॉन्को को भी मैं एक चांस देके इसको हाई स्पीड में चलाने वाला हूँ। ये इसका मैंने सेकंड गियर डाल दिया है। जंप करा रहा हूँ मैं इसमें अभी, देखते हैं क्या होता है। जंप था यार, सेकंड गियर में डालने के बाद इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब देखते हैं क्या है, दूसरे पुल में भी जा पाएगी या फिर नहीं। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, अब इसको यहाँ से चढ़ाते हैं। अरे बाप रे गाइस, ये तो थोड़ा सा स्लिप हो रही है यार, ट्राई करते हैं। ये देखो काफी आराम से चढ़ के आ चुकी है, अब यहाँ से जंप लगाते हैं। जंप लगा के आने वाली है और परफॉर्मेंस काफी ज्यादा तगड़ी मेरे को लग रही है गाइस। यहाँ से भी ये चढ़ पाएगी या फिर नहीं, काफी आराम से तो चढ़ रही है। अब नीचे लगाना पड़ेगा, फिसल रही है दोस्तों, थोड़ा सा इसको पीछे लेके, अब इसको मैं और थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। थोड़ा सा स्पीड इसको निकालने के लिए ट्राई करते हैं गाइस, ये रैंप के ऊपर से यहाँ से फिसल रही है, अब इसके टायरों के ऊपर पूरी तरीके से इंजन ऑयल चिपक चुका है, ये ईंट के ऊपर से भी नहीं चल पा रही है गाइस, इसके टायर्स बहुत ज्यादा स्लिपरी हो चुके हैं। फोर्ड ब्रॉन्को इधर तक पहुंच चुकी है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मेरे को नहीं लगा था कि इधर तक भी ये पहुंच पाएगी। मान गए यार फोर्ड ब्रॉन्को की पावर को, तो गाइस सैडली ये ऊपर नहीं चढ़ पाने के कारण इसको ट्रैक से बाहर करना पड़ेगा। अब देखो गाइस, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्सेस एक्स मैक्स बची है, इसके अंदर तो यार फोर्ड ब्रॉन्को जैसे डिफरेंशियल लॉक्स भी नहीं दिए गए। देखते हैं गाइस क्या ये आज ये ट्रैक के ऊपर से चल पाएगी या फिर नहीं। वो भाई क्या ही जंप लगाया यार एक्स मैक्स ने, देखो एकदम परफेक्ट जंप था। ये पीछे ले रहा हूं मैं इसको भी, ये आ चुकी है पीछे, पानी में भी ये कार के अंदर पावर जरा बराबर भी कम नहीं हुई है। यहाँ पे XRT को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, ये मैंने इसको इधर से भी निकाल लिया है गाइस। अब ये पूल में से देखते हैं गाइस क्या है, जंप मार के निकल पाएगी या फिर नहीं। ओ, ये फिसल रही है दोस्तों यहाँ पे, धीरे चलाने के लिए ट्राई करता हूँ मैं इसको, देखो धीरे धीरे चढ़ा रहा हूँ तो आगे बढ़ रही है। तो आप देखो गाइस फुल थ्रॉटल मैंने दे दिया है और ये निकल चुकी है।
एक्स मैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, दोनों ही पूल्स को इसने कम्प्लीटली तबाह करके रख दिया है। ठीक है चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसके सामने बहुत सारी आग आ चुकी है भाई, ये तो काफी मक्खन की तरह निकल चुकी है इतनी ज्यादा आग में से भी। आप देखो भाई सबसे मुश्किल रास्ता इसके सामने आ चुका है, यहाँ पे है बहुत सारा इंजन ऑयल। अरे बाप रे, लिटरली गाइस इसने इंजन ऑयल में से निकलने के बाद एक टायर से ही तीनों ट्यूबलाइट्स को तोड़ दिया है पूरी तरीके से। मजा आ गया यार, आज एक्स मैक्स ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई है, मतलब 90% ट्रैक को तो इसने तबाह कर दिया है भाई। इसकी भी बैंड बच चुकी है, साथ में ये ट्रे भी पूरा का पूरा टूट चुका है। ग्लासेस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, अब यहाँ पे इसको मैं ऊपर चढ़ाने वाला हूँ। ओ गाइस देख रहे हो, इसके भी टायर यहाँ पे स्लिप होने लग रहे हैं। फिर एक बार एक्स मैक्स को, ओ माय गॉड, अरे बाप रे गाइस, ये कार इतनी ज्यादा भारी भरकम है कि देखो इसके वजन के कारण ये ट्रैक पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। फिर एक बार इसको मैं सही तरीके से जमाऊंगा। तो ट्रैक को मैंने सही रख दिया है, अब मैं इसको चला रहा हूँ। ये देखो गाइस, ओहो दोस्तों आज देखो भाई कमाल हो चुका है। दूसरी बार इसको मैंने सही तरीके से रख दिया था, फिर भाई एक्स मैक्स ने तो इसके ऊपर काफी आराम से चढ़ाई कर दी है और एक्स मैक्स बन चुकी है आज ये ट्रैक की चैंपियन। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या मैं एक्स मैक्स के लिए आउटडोर में एक ट्रैक बनाऊं या फिर नहीं। चलो अभी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है हुजैर, राकेश, शुभम, शेरियार, गणेश, जायद, मनीष, राज, शिवांश, राजेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पे कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।